लखनऊ में संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं और रोडवेज की बसें ठप हो गई हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि कोरोना के चलते वो 50% ही यात्री ले जा सकते हैं, जिनसे उनके मानदेय में काफी कमी आ रही है। लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल पर चारबाग डिपो व आलमबाग डिपो के संविदा कर्मचारियों ने सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक संचालन नहीं किया। कारण कोविड-19 के तहत बसों में सीमित यात्रियों को बैठाना, इन पर संविदा कर्मचारियों को वेतन 50% इनकम लाने की बाध्यता, जो है इसी को लेकर चालक व परिचालकों ने कार्य बहिष्कार किया। लखनऊ SM श्री सत्यनारायण ने वार्ता करते हुए कहा कि अस्वस्थ है कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भेजा जाएगा और फिर संचालन शुरू होगा। लगभग AC की 40 बसें और साधारण 38 बसें में प्रभावित रही। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। मैं रुपेश कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष UP रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन। आज संविदा के कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। उसी आक्रोश को देखते हुए संविदा कर्मचारियों ने बस को पूरी तरह से ठप कर दिया है, क्योंकि 50% की कटौती को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। ये कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो लाजमी है, क्योंकि आज वैश्विक महामारी में जो है संविदा कर्मचारी ही परिवहन निगम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, फिर आखिर उसके वेतन में कटौती क्यों? लखनऊ पुलिस ने रेड मिशन इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 डॉक्टर सहित